okay hello friends i welcome you all on my youtube channel rasayan setu friends in today's video we are going to discuss previous year question from gate and tiffer the topic is group theory okay friends so this is your first question which was asked in gate 2019 exam uh, for two marks it was a NATME's numerical ability type question सो फ्रेंड्स एज यू नो इन गेट एग्जाम यू हैव टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वन इज मल्टीपल चॉइस टाइप एंड वन इज़ न्यूमेरिकल आंसर टाइप सो दिस क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप एंड केम फॉर टू मार्क्स एंड द क्वेश्चन इज करैक्टर टेबल ऑफ पॉइंट ग्रुप डी एट इज गिवन ब्लो यू हैव कैरेक्टर टेबल गिवन ब्लो एंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ जी एच आई जे के इज इक्वल टू एंड यहाँ पर आपको क्या फ्रेंड्स वैल्यू पुट करनी होती है ऑप्शन में तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एन के की वैल्यू फाइंड करनी है देन आपको ये बताना है कि इन सब का सम जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट में आपको क्या है ए टू लेकर जी की वैल्यू फाइंड करनी है अब फ्रेंड्स आपको पता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट की डायमेंशन होती है वो मूलीगन सिंपन डिसाइड करते हैं अब ये कैसे डिसाइड करेंगे फ्रेंड्स देखिए अब आइडेंटिटी एलिमेंट में अगर आपके ई की वैल्यू अगर वन होती है तो आपका जो मूलिकन सिंबल होता है वो या तो ए होता है या फिर आपका बी होता है ई की वैल्यू वन होने पर अगर आपके पास ई की वैल्यू टू होती है तो मूलिकन सिंबल होता है आपके पास ई एंड अगर आपके ई की वैल्यू थ्री होती है तो मूलिकन सिंबल होता है टी ठीक है फ्रेंड्स तो आपको ये वैल्यू ये बात ध्यान रखनी है अब इसके रिगार्डिंग ए में क्या होता है फ्रेंड्स जब प्रिंसिपल एक्सिस की वैल्यू वन होती है तो मूल्यगन सिंबल होता है ए एंड जब प्रिंसिपल एक्सिस की वैल्यू माइनस वन होती है तो मूल्यगन सिंबल होता है बी कैपिटल ए एंड कैपिटल बी अब देखिए फ्रेंड्स तो इस तरह से आपको ये तो पता लग गया कि ई इज़ इक्वल्स टू वन में ए और बी होगा और ई इज़ इक्वल्स टू टू में ई e. अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो आपके कैरेक्टर टेबल में ए टू लेकर ई e की वैल्यू दे रखी है तो इट मीन्स आपको ए टू लेकर जी की वैल्यू तो पता लग गई कि यहाँ पर ए बी सी एंड डी की वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी एंड ई एफ एंड जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी फ्रेंड्स टू हो जाएगी यह आपको कहाँ से पता लगा आइडेंटिटी एलिमेंट के डायमेंशन से ठीक है फ्रेंड्स नाउ अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपको वैल्यू फाइंड करनी है एच एंड आई की कैरेक्टर टेबल से तो फ्रेंड्स एच एंड आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं ग्रेट ऑर्थोकोनलिटिक थ्योरम जी ओ फ्रेंड्स आपको पता है हमने जब पहले भी और क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें बताया कि ग्रेट ऑर्थोनोलिटिक थ्योरम क्या होती है फ्रेंड्स कि कोई भी दो रिड्यूजल रिप्रेजेंटेशन में जो भी आपके दो मूलिकन सिंबल्स होते हैं उनकी जो मल्टीप्लिकेशन का सम होता है वो आपके किसके इक्वल होना चाहिए जीरो के इक्वल होना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए अगर हम यहाँ पे जी अप्लाई करते तो जी ओ टी कैसे होगा आपके ए वन इंटू ए टू की वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो सपोज हम ये लेते हैं अब देखिए आपके ए टू में एच और आई दे रखा है तो हम चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं ए वन में मल्टीप्लाई करते हैं अब देखिए फ्रेंड्स आपको मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है ए वन में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो ऊपर सिमेट्री ऑपरेशन दे रखे उनकी कोफ़िशेंट को भी साथ में लेते हुए चलना है तो देखिए आप ई की वैल्यू क्या दे रखी है आपके वन तो ए वन में आप ये देखेंगे वन इंटू इंटू वन प्लस टू इंटू वन इंटू वन प्लस टू इंटू वन इंटू वन प्लस टू इंटू वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन इंटू वन प्लस फोर इंटू वन इंटू एच प्लस फोर इंटू वन इंटू आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो ठीक है फ्रेंड्स तो ये हमने क्या है जी ओ टी अप्लाई करी वन इंटू एट टू मैं देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं क्या आएगा फ्रेंड्स वन प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस वन प्लस फोर एच प्लस फोर आई इज इक्व टू ज़ीरो तो यहाँ पे आएगा एट प्लस फोर एच प्लस फोर आई इज इक्व टू जीरो अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको इस पूरी टर्म को ज़ीरो करना है एट प्लस फोर एच तो इतमी यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके ये होना चाहिए आपके माइनस फोर एच एंड ये होना चाहिए आपके माइनस फोर आई और ये माइनस फोर एच एंड माइनस फोर आई को करने के लिए आपके पास एच एंड आई की वैल्यू क्या होना चाहिए माइनस वन होनी चाहिए जब आप इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा एट माइनस फोर माइनस फोर इज़ इक्व टू जीरो ठीक है फ्रेंड्स तो इट मीन्स आपको अब आप पता लग गया कि एच एंड आई की, की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके दोनों की वैल्यू माइनस वन अब इसके बाद आपको नेक्स्ट फाइंड करना है देखिए एच फाइंड हो गया आपके आई हो गया अब जे फाइंड करना है तो इसके लिए भी हम सिंपली क्या करते हैं फ्रेंड्स ए वन इंटू बी वन कर देते हैं ए वन इंटू बी वन ए वन इंटू बी वन जब आप करते हैं फ्रेंड्स तो देखिए क्या क्या आएगा आपके वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू इंटू वन इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू वन इंटू वन प्लस टू इंटू वन इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू वन वन प्लस फोर इंटू वन इंटू वन प्लस फोर इंटू वन इंटू जी इज इक्वल टू जियो इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स क्या आएगा देखिए वन माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस वन प्लस फोर प्लस फोर जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो माइनस टू से प्लस ये कैंसिल हो गया फ्रेंड्स माइनस टू प्लस वन देखिए फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइव सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा फ्रेंड्स आपको फोर प्लस फोर जे इज़ इक्व टू जीरो अब देखिए इस इस पूरी टर्म को ज़ीरो करने के लिए आपके पास जे अगर आपके पास ये माइनस फोर जो हो जाता है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी इट मीन्स यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा जे की वैल्यू भी माइनस वन आ जाएगी तब आप क्या कर सकते हैं फोर माइनस फोर इज इक्व टू ज़ीरो तो इट मीन्स आपके अब पता लग गया आपको जे की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके माइनस वन तो आपको एच हाँ आई जे तक की वैल्यू पता लग गई लास्ट में जब हम देखते हैं के की वैल्यू के की वैल्यू करने के लिए के की ई टू में तो इसके लिए हम कर देते हैं ए वन इंटू ई टू ठीक है फ्रेंड्स ए वन इंटू ई टू करने पर देखिए क्या आएगा आपके वन इंटू वन इंटू टू प्लस टू इंटू वन इंटू ज़ीरो प्लस टू इंटू वन इंटू माइनस टू प्लस टू इंटू वन इंटू ज़ीरो प्लस वन इंटू वन इंटू के प्लस फोर इंटू वन इंटू ज़ीरो प्लस फोर इंटू वन इंटू ज़ीरो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स आपके टू टू इंटू वन जीरो होगा आपके माइनस टू माइनस फोर प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से आपके के की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ जाएगी टू प्लस टू तो आपको अब सबकी वैल्यू पता लग गई है ए ए टू डी की वैल्यू है आपके वन ई एफ जी की वैल्यू है टू एच आई की वैल्यू है एच आई जे की वैल्यू माइनस वन एंड के की वैल्यू है टू अब आप इसमें सब में रख दीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन तो यहाँ पर जब आप इनकी वैल्यू रखते जाएंगे तो देखिए इनको सबको करने पर वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट माइनस वन माइनस वन तो टेन माइनस थ्री सेवन एंड यहाँ पे क्या आपके प्लस टू तो सेवन प्लस टू नाइन तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो इस कैरेक्टर टेबल का सॉल्यूशन है इन सबका ए प्लस ए टू लेकर के का सॉल्यूशन होगा उसका सम क्या आएगा फ्रेंड्स आपके नाइन तो ये आपका गेट टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था फ्रेंड्स लेकिन सिंपल है बहुत बस आपको यहाँ पर एक तो यहाँ पर ई e की वैल्यू कैसे आएगी आपको ये पता करना है मूलिकन सिंबल के बेस पर ई e की वैल्यू कैसे रखेंगी वो देन नेक्स्ट आपको जी टी यानी ग्रेट ऑर्थोनिटी तो थ्योरम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए ओके okay, फ्रेंड्स अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टी आई एफ आर जी एस ट्वेंटी नाइनटीन में थ्री uh, मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स टी आई एफ आर मतलब आपके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है एंड इसका हर साल एग्जाम होता है जब अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो इस एग्जाम का फाइट कीजिए एंड वन ऑफ द मोस्ट मतलब इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया टी आई एफ so, आर सो यहाँ पर भी केमिस्ट्री का एग्जाम होता है तो इसके भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं तो ये एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स फिर ग्रेजुएल ग्रेजुएट स्कूल एंट्रेंस बोलते हैं इसको टी आई एफ आर तो जी एस मीन ग्रेजुएट स्कूल सो क्वेश्चन सेज बिलो बिलो इज़ आ पिक्चर ऑफ़ एन औरगनी पिन व्हील वॉट एलिमेंट्स ऑफ सीमेट्री आर प्रजेंट इन पिन व्हील ये आपको एक पिन व्हील दिया हुआ है फ्रेंड्स एंड आपको यहाँ पे चार ऑप्शन में देख कर बताना है कि इसमें कौन कौन से सीमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट प्रेंट होंगे तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं ओनली वन फोल्ड एक्सिस रोटेशन एक्सिस पर टू पुरा प्लेन ये हाँ बिल्कुल अगर आप इसमें यह अप्लाई करें फ्रेंड्स देखिए आप ये चार पॉइंट देखिए इस पिन विल के ये एक तरह से ऑक्टागन है तो ए बी सी एन डी अगर आप पे फोर इसमें प्लेन प्लेन तो ये पेपर है इसका टू टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही है अगर आप इसमें जेड एक्सिस इस तरह से क्या करते हैं फ्रेंड्स अप्लाई करते हैं इसमें देखिए ये एक्सिस अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं जेड तो जब आप इसके इसमें सी फोर अप्लाई करेंगे मीन्स नाइन्टी डिग्री का रोटेशन तो ये पॉइंट यहाँ ए की जगह बी बी की जगह सी सी की जगह डी एंड डी की जगह ए आ जाएगा लेकिन आपको पता है कि ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर रहेगा तो इट मीन्स यहाँ पे क्या फोर फोल्ड रोटेशन तो प्रेजेंट है लेकिन इसमें क्या और कुछ भी प्रेजेंट है उसके लिए हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अगर नेक्स्ट ऑप्शन मैच नहीं होंगे तो ऑप्शन ए इस केस में आपका राइट हो जाएगा अब देखिए मिरर प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप ये तो क्या है प्ले, पेपर का प्लेन अगर आप इसके परपेंडिकुलर इस तरह से मिरर प्लेन अप्लाई करते हैं तो देखिए जब आप यहाँ से अगर इन दोनों इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मिरर प्लेन लगाए तो देखिए यहाँ पर वाइट एरिया एंड यहाँ पर पर्पल पर 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 एरिया तो ये क्या मिररर इमेजेस नहीं है इसी तरह यहाँ पे पर्पल यहाँ पर, 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 पर वाइट तो इट मीनस पे मिरर प्लेन तो नहीं है प्लेन के परपेंडिकुलर तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया अब देखिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं फोर फोल्ड रोटेशन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन देख फ़ोर फोल्ड रोटेशन एक्सिस तो ये तो हमने फर्स्ट ऑप्शन में देख लिया था कि फोर फोल्ड रोटेशन एक्सिस तो प्रेजेंट है एंड इसके साथ यहाँ पे क्या दे रखा है एंड द पिन व्हील एंड एंड इन्वर्जन सेंटर अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर चेक करते हैं अगर आप यहाँ पे सेंटर में पॉइंट लें तो यहाँ यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इस डायरेक्शन में जाते हैं तो वॉलेट वॉलेट कलर इस डायरेक्शन में भी वॉलेट कलर है इस डायरेक्शन में वाइट इट मीन्स यहाँ पर क्या आपके इन्वर्जन सेंटर भी प्रेजेंट है फ्रेंड्स तो इस तरह से क्या है यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा आपका राइट right आंसर हो जाएगा तो ये आपका टी आई एफ आर ट्वेंटी नाइनटीन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स जी एस ट्वेंटी नाइनटीन का थ्री मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था आई uh, होप आपको समझ आया होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एंड एक क्वेश्चन ये जो था आपका गेट टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन था दोनों को ध्यान से समझ लीजिए फ्रेंड्स एंड अगर आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछेगा फ्रेंड्स सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग